सरकार ने बजट 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने और खरीदने वाले दोनों वर्गों का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे, वहीं बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि गाड़ी सस्ती करने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से क्या होगा फायदा? मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की रेंज 10 से 15 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में आप रास्ते में मिलने वाली किसी भी बैटरी स्वैपिंग सेंटर से उसे बदल पाएंगे, यानी आप बैटरी को चार्ज करने वाले टाइम से बच जाएंगे। बैटरी को स्वैप करके अपने सफर को आप आगे बढ़ा पाएंगे। बजट 2022 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन डेवलप किया जाएगा। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा, बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2022 से ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहां राहत की उम्मीद थी, वहां कुछ नहीं हुआ। पिछले दो सालों में कोविड महामारी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी। सालाना आधार पर 2020 में गाड़ियों की बिक्री 18% और 2021 में 14% घट गई। एक तरफ जहां सेक्टर में ग्राहकों की तरफ से मांग घटी, वहीं रही सही कसर चिप की कमी ने पूरी कर दी। ऑटो इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक 2021 में कार कंपनियों की बिक्री में $5 अरब की कमी आई है। ये कुल प्रोडक्शन का 20% है। बजट से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।